हाय गाइस, आई एम राजा और आज मैं बात करूंगा केबल पुश डाउन प्रेशर का वर्कआउट है और इसमें बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, क्या गलती होती है। बहुत बच्चे यूट्यूब में देख के गलत मारते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स को देख लेते हैं, बॉडी बिल्डर को देख लेते हैं कि वो कैसे मार उसकी तरह मार रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। वो क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, उनकी डाइट क्या है, आपकी डाइट क्या है, उनका माइंड मसल कनेक्शन अलग होता है, आपका माइंड मसल कनेक्शन अलग है। तो आप देखिएगा कि यूट्यूब में बहुत एथलीट्स, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स केबल को ऐसे पकड़ते हैं, हैवी वेट्स, मतलब बहुत हैवी वेट्स यूज करते हैं। तो हैवी वेट्स यूज करने के लिए आपकी कोर जो है वो मूवमेंट ऐसे भी होगी, आप भी होगी। तो इसमें क्या है कि बहुत बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर एथलीट जो है उनका क्या है कि रिस्ट मूवमेंट वो अपने अकॉर्डिंग, और रिस्ट मूवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं होता, और बहुत स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ी सी मूवमेंट ऐसे होती है। और ये लिए ये मार्क है, इस एक्सरसाइज को मैं गलत नहीं कहूँगा, ये भी सही है, ये भी आप मार सकते हैं, लेकिन आपकी माइंड मसल कनेक्शन तगड़ी होनी चाहिए और आपको टेक्निक पता होना चाहिए, आप अपने ट्रैफिक को हिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसकी जो बेहतर और बेस्ट तरीका है वो आप ये है, ये मार लो, ये बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर, देखिएगा मूवमेंट यू ना हो, ये शोल्डर मूवमेंट हुई तो ज्वाइंट पे आपकी प्रेशर पड़ेगी और फिर ट्राइसेप मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ट्राइसेप को टेंशन नहीं कर पाएंगे, मसल को हिट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप बिल्कुल टाइट रखिए, कोर एकदम टाइट, ये आप हैंड केबल को पकड़ लीजिए, हैंडल को, और ये लीजिए स्लोली, ये जाना चाहिए, ये मान लीजिए। अब क्या है कि बहुत अच्छे यहीं से लिए नीचे पुश कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। देखिए इसमें क्या है, मसल स्ट्रेच होनी भी जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होनी भी जरूरी है। तो मसल को स्ट्रेच करने के लिए हम इसे ऊपर लेके गए, देखिए यहाँ हमारी मसल स्ट्रेच हुई, उसके बाद हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी मसल बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगी। अब क्या है, नए बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये ले लिए केवल, ये मारते हैं ऐसे हिली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी की ताकत लगा रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है, इंजरी हो सकता है आपकी बॉडी में, शोल्डर में इंजरी हो सकता है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको कि ये ऐसे लिए, ऐसे भी नहीं मारनी आपको, ऐसे मारिएगा तो भी आपकी बॉडी में इंजरी होगी, कहीं ना कहीं शोल्डर पेन होगा और आप इंजरी हो सकते हैं। इससे अच्छा है आप सही टेक्निक पे काम करें, पोस्चर सही होनी चाहिए। देखिए ये आप स्ट्रेट लीजिए, कोट टाइट, ये केबल आप पकड़े हुए हैं, ये स्लोली ऊपर जाने दीजिए, स्ट्रेट ये मसल कॉन्ट्रैक्ट। आप इसमें क्या है, रिस्ट मूवमेंट देख लीजिए, रिस्ट इस टाइप का होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग रिस्ट को इस टाइप से रखिए जो नॉर्मल मूवमेंट है रिस्ट की। और ये वाला जो है, ये बड़े बड़े एथलीट और बॉडी बिल्डर लगाते हैं क्योंकि हैवी वेट होने के कारण उनको ऐसे मानना पड़ता है, हैवी वेट के कारण अपने मसल को हिट कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है, आपने जिम में ट्राई करिए, हैवी वेट लगाइए और ऐसे आप मार के दिखाइए मुझे 10 बार 10 रिपीट्सन, और वही हैवी वेट को आप ऐसे मार के दिखाइए मुझे 10 रिपीट्सन, दोनों में आपको फर्क पता चलेगा, डिफरेंट पता चलेगा। और आप अपने जिम में ट्राई करके देखिए, और बहुत ही ट्रैफिक का बेस्ट एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन, और इससे आपकी सेव इतनी तगड़ी होगी प्रेशर की और तेजी से ग्रोथ करेगा। तो जो जो मेरे वीडियो पे अभी जुड़े हैं या नए देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।